या तुम बात करिए हमसे। सेकेंड क्वेश्चन, यदि यक्स माइनस वन अपॉन यक्स बराबर दिया है वन अपॉन टू, तो वैल्यू है 4x² प्लस 4 अपॉन यक्स² की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 4 को अगर हम कॉमन कर लें तो x² प्लस 1 अपॉन x² ये हो जाएगा, मतलब ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो इसका सॉल्व करें, दोनों पक्षों का क्या कर दें वर्ग, क्योंकि इसमें वर्ग दिया है, तो यक्स माइनस 1 अपॉन x² बराबर, इसका भी वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 होगा, 2 दूनी 4, 1/4 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यक्स स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर प्लस लगा लेंगे बी का स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab ए की जगह यक्स रखेंगे, बी की जगह 1/x, अब इज इक्वल टू 1/4, तो ये हो गया यक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x², ये यक्स एक्स कैंसिल आउट, माइनस 2 1/4, तो ये हमारा निकल गया यक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x² इज इक्वल टू 1/4 + 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन, 1 और 4 दूनी 8, 1/9 हो जाएगा। तो ये x² प्लस 1 अपॉन x² की वैल्यू निकली 9/4, चूँकि हमें चाहिए वैल्यू 4 × x² + 1, तो 4 का दोनों पक्षों में वर्ग गुणा कर लें, तो 4 का इधर गुणा करेंगे तो 4x² प्लस 1 अपॉन x² हो जाएगा, और ये 4 × 9/4, 4 4 कैंसिल आउट, तो आंसर हो जाएगा 9, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह एक और क्वेश्चन दिया है, यदि यदि x + 1/x इज इक्वल टू दिया है √3, तो वैल्यू पूछा है x³ + 1/x³ का मान कितना होगा, फाइंड करना है। तो इसका दोनों पक्षों का क्यूब कर दें, तो इसका जब क्यूब करेंगे तो यक्स का क्यूब हो जाएगा प्लस 1 अपॉन यक्स का क्यूब प्लस 3 × ए एक जगह यक्स, बी बी जगह 1 अपॉन यक्स, फिर कोष्टक में ए प्लस बी, ये ए प्लस बी का होल क्यूब का कर देंगे, दोनों पक्ष का क्यूब कर देंगे क्यूब, तो इसका हो गया इधर का क्यूब करेंगे कड़ी में 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 3 कड़ी में 3 हो जाएगा। अब यक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो यक्स³ + 1/x³ + 3, और ये क्वेश्चन में यक्स + 1/x = √3। अब ये यक्स³ + 1/x³ प्लस ये 3 है × x + 1/x जगह रख देंगे √3 = 3। अब इधर आएगा ये प्लस है, बराबर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा 0 हो जाएगा, तो x³ + 1/x³ = 3√3 −3√3, तो ये कट गया 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0।